स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता, जिसमें वो धीरे 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 आरक्षण को समाप्त कर कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। ये लोग हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान खतरे में, जबकि हकीकत में ये तमाम कदम कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूँ प्राची सिंह आपके साथ। कांग्रेस जाति के आधार पर आरक्षण की बात करती है और वहीं नरेंद्र मोदी के जो बातें थी उससे सरगर्मियां तेज हो गई, और क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्नाटक का जो मॉडल है, कांग्रेस जिस तरीके से वहां पर जाति के आधार पर, जी हां, जाति के आधार पर आरक्षण की बात करती है, वही बातें आज जब चिराग पासवान, यानी कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान से पूछा जाता है कि जिस तरीके से कहा जाए कि जाति के आधार पर आरक्षण की बात, तो उस पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले एक नज़र उस वीडियो पर डाली। कर्नाटक मॉडल को लेकर उन्होंने कहा हमने कर्नाटक मॉडल डेवलप किया, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को लटारा दी और कांग्रेस ने रातों रात फतवा सेक्युलर निकाल कर मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। भाई बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से ओबीसीज का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, जिस तरीके से आरक्षण को छीन कर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है, जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उस संविधान में स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसे में कर्नाटक जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसीज का रिजर्वेशन छीन कर धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये वही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे 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 आरक्षण को समाप्त कर कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट तौर से उस वक्त कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक धर्म विशेष के लोगों का है, ये कांग्रेस की वही तुष्टीकरण की राजनीति है, और इसको ढकने के लिए ये लोग हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान खतरे में, जबकि हकीकत में ये तमाम कदम कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा उठाए गए। तो आपने साफ तौर पर सुना चिराग पासवान का कहना है कि जाति के आधार पर कांग्रेस जिस तरीके से आरक्षण की बात करती है और कहती है कि सत्ता पक्ष जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है, ये कौन खत्म कर रहा है, ये तो सब साफ साफ दिख रहा है। अगर कांग्रेस आती है तो एक बार फिर से संविधान खतरे में पड़ जाएगा। और वही बातों को दोहराते हुए चिराग पासवान कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा है। जी हाँ, वो जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, और वहीं जो बातें कहते हैं ये लोग कि महागठबंधन जो बातें कहती है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो संविधान खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा मानना है कि जिस तरीके से ये लोग की अगर सरकार आएगी तो बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए वो खतरे में आ जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है। और जाति के आधार पर, जी हाँ, धर्म के आधार पर जो आरक्षण की बात करते हैं, ऐसा किस में लिखा हुआ है? फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज़, धन्यवाद।